आज हम डेमोंस्ट्रेशन करने जा रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एक्सपेरिमेंट का, किस प्रकार हम एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को दोबारा डीमॉड्यूलेट करके जनरेट करते हैं, कैसे इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बॉक्स है। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप बॉक्स में आप देख रहे हैं, यहाँ से हमें कैरियर सिग्नल मिलता है, यहाँ से हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है, और ये कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम जब ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके अंदर सर्किटरी दिखाई गई है, जब हम यहाँ से कैरियर सिग्नल को इस पर लगाते हैं तो कैरियर सिग्नल और यहाँ से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पर जो आउटपुट है, यहाँ पर हमको मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। जब इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम दोबारा से यहाँ डालेंगे डिमॉड्यूलेशन के लिए, तो डिमॉड्यूलेशन पर जब इसको सिग्नल को सेट करेंगे तो इसके बाद डिमॉड्यूलेटेड होते हुए सिग्नल यहाँ पर विदाउट फिल्टर हमको सिग्नल का आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद हम सिग्नल को जब फिल्टर यूज करके आउटपुट लेंगे तो हमको फिल्टर्ड आउटपुट सिग्नल यहाँ पर दोबारा से मिल जाएगा, सेम जो हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो अब हम इसको समझने के लिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम जोड़ रहे हैं। तो सर्किट डायग्राम में मॉड्यूलेटेड सिग्नल ग्राउंड टर्मिनल ले लिया, और अभी हमने डिवाइस को कनेक्शन करते समय स्विच ऑफ रखा है, क्योंकि पावर अभी स्विच ऑफ रखेंगे, जब हम इसको ऑन करेंगे तो पावर को ऑन कर लेंगे। नाउ ये देख लीजिए कि एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता कैसा है। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना है, ये एक डिवाइस है जिसको हम सीआरओ बोलते हैं। सीआरओ में हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल की स्टडी कर सकते हैं कि कैसा ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। हम सीआरओ को ऑन कर लेते हैं, सीआरओ ऑन करके एक लाइन हमको यहाँ पर मिल जाएगी सीआरओ सिग्नल की। देखिए, अब इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल के पॉजिटिव पुट को, इनपुट को हम सीआरओ से जोड़ दे रहे हैं और ग्राउंड टर्मिनल को सीआरओ के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दे रहे हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी एडजस्टर से एडजस्ट करेंगे तो हम पाएंगे, पहले हम इसको ऑन करते हैं सिग्नल को। अब देखिए, इस तरीके से हमको एक मॉड्यूलेटर सिग्नल प्राप्त हो चुका है। ये मॉड्यूलेटेड, ये सिग्नल मॉड्यूलेटिंग होगा, यानी कि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसको कि हम एक कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर सुपरइम्पोज कराएंगे और मॉड्यूलेट करेंगे। अब मैं आपको कैरियर सिग्नल दिखाऊंगा कि कैरियर सिग्नल किस प्रकार से हमारा होता है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। इसको हटा लेते हैं। अब देखिए, ये कैरियर सिग्नल पर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। कैरियर सिग्नल को जब हम इस पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैरियर सिग्नल एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो कि अभी दिखेगा किस तरीके का इसका सिग्नल डिस्टॉर्शन रहता है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होने के कारण ये देखिए, इसके नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा दिख रही हैं, इसका मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये हमारा एक कैरियर सिग्नल है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब इन दोनों सिग्नल को जो हमने पहले दिखाया था, एक लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल और ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल, इसको हम सुपरइम्पोज कराएंगे और सुपरइम्पोज करके एक मॉड्यूलेटेड वेव प्राप्त करेंगे। यही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने करना है। और इस प्रोसेस में क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होगा वो मॉड्यूलेट हो जाएगा एज पर द इंफॉर्मेशन सिग्नल। नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग हियर द कैरियर सिग्नल, आई हैव इंट्रोड्यूस्ड हियर। नाउ मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हियर, ग्राउंड टर्मिनल इज हियर। अब हमने कैरियर सिग्नल भी दे दिया है और मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी सर्किट में इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब यहाँ पर हमको मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त होगा। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल को दोबारा से हम सीआरओ पर देखेंगे। इसको दोबारा से सीआरओ पर देखने के लिए सीआरओ के पॉजिटिव टर्मिनल पर हम जोड़ देते हैं और ग्राउंड टर्मिनल को ग्राउंड से जोड़ देते हैं। अब देखिए हमको किस प्रकार एक सिग्नल मॉड्यूलेटेड होकर मिला है, ये अभी आप देख सकते हैं। इस तरीके का एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें प्राप्त हुआ है। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम ट्रेस कर लेते हैं ट्रेस पेपर की सहायता से। अगर हम देखें तो ये सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिस तरीके का होता है, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है।
और इस सिग्नल को हम एक ट्रेस पेपर की सहायता से ट्रेस कर लेते हैं और मिनिमा और मैक्सिमा ऑफ एम्पलीट्यूड को नोट कर लेते हैं। अब ये एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम किस प्रकार डिमॉड्यूलेट करते हैं इसको समझने की जरूरत है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको अब हम डिमॉड्यूलेटेड प्रोसेस के डिमॉड्यूलेशन के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमने डिमॉड्यूलेटर में इंट्रोड्यूस कर दिया है। डिमॉड्यूलेटर के बारे में मैं आपको सर्किटरी समझा चुका हूं। अब यहां से डिमॉड्यूलेट होकर के सिग्नल जो यहां पर प्राप्त हुआ है डायरेक्ट इस लाइन के थ्रू आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, पर ये अनफिल्टर्ड है तो डिस्टॉर्टेड सिग्नल दिखेगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस सिग्नल में दिखेगा। नेगेटिव टर्मिनल से हमने इसको ले लिया, देखिए डिस्टॉर्टेड सिग्नल किस तरीके से हमको दिख रहा है, ये आपको सिग्नल इस फॉर्म में दिखने लग गया है। बॉटम में आपको सप्रेस दिख रहा होगा, ऊपर के पीक्स दिख रहे हैं। अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाते हैं, इसको एडजस्ट करके हम एडजस्टमेंट करके सिग्नल को स्टेबल कर सकते हैं। चूंकि अभी हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, इस तरीके का ये सिग्नल आपको दिखने लगेगा। अब इसको हमने एडजस्ट कर लिया है। अब ये डिमॉड्यूलेटेड है लेकिन फ्रीक्वेंसी इसमें ज़्यादा दिख रही है। अब हम इसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर के लिए हमें करना कुछ नहीं है, फिल्टर के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आउटपुट इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं एक कैपेसिटर से, और हम आउटपुट को डायरेक्ट डिमॉड्यूलेटर से अब ले लेते हैं। अब जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया है, नेगेटिव टर्मिनल को हम कर देते हैं। अब आप थोड़ा सा सिग्नल को देखिए, ये हमको सेम उसी प्रकार की वेव प्राप्त हो चुकी है। ये वेव हमको दोबारा से वही प्राप्त हो चुकी है जो सिग्नल हमारा मॉड्यूलेटिंग था, जो कि हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट एंड ईच पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन दिस सीआरओ कैन बी ट्रेस्ड एंड गो फॉर द एनालिसिस रिजल्ट। थैंक यू।